Traffic stayed off roads and markets wore a deserted look in Bhopal city of Madhya Pradesh as the Congress party gave a call for shutdown against the Vyapam scam on Thursday. The president of Congress's youth wing in Madhya Pradesh, Kunal Chaudhary, said the public has responded overwhelmingly to the call for shutdown by the party. Vyapam mein jo log mare hain उन लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप और व्यापम घोटाले में जब तक शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा नहीं देंगे इसकी सीबीआई की जांच हमारी जो होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं होगी जब तक व्यापम के पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा इसकी लड़ाई हमारी जारी है। However, the shutdown brought daily life to a halt and the worst hit were shopkeepers who lost out on business in the run-up to festival of Eid. A shopkeeper Harish said there was no point in calling for a shutdown as the case had already been handed over to CBI. नहीं अब जब सीबीआई जांच की दे दिया है आदेश तो अब नहीं होना चाहिए बंद और थोड़ा सा त्यौहार भी है कल ईद त्यौहार है इससे बाजार बंद होने से लोगों को मुस्लिम भाइयों को दिक्कत होगी। रेसिडेंट मनोज शेयर्ड द सेम सेंटीमेंट्स एंड सेड द पॉलिटिकल पार्टीज वर अनपर्टर्ब्ड अबाउट द लॉसेस दैट स्मॉल शॉपकीपर्स वुड इनकर ड्यू टू द शटडाउन। तो इस चक्कर में व्यापम घोटाला खैर अपनी जगह है लेकिन त्यौहार को देखते हुए जैसे ईद आ रही है कल परसों से जो इनके त्यौहार चालू हो रहे हैं तो उनके हिसाब से मैं चाहता हूं कि मार्केट बंद नहीं होना चाहिए। लोग बाग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं कोई भाई कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं किसी की जो कमाएगा रोज खाएगा भाई एक दो दिन अगर नहीं बंद रखेगा तो उनको आगे चल के नुकसान उठाना पड़ेगा ना। कॉरेस्पॉन्डेंट आरसी साहू फ्रॉम भोपाल फॉर ANI।